हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। और बहुत दिनों बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है क्योंकि हम लोग वेकेशन पे थे और ये वहीं का है, हमारे घर से कुछ 4 घंटे की ड्राइव पे। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सन था, ये हमारे जहाँ हम लोग स्टे किए थे वहाँ का व्यू था, एकदम ऑसम है ये। ये देखिए एकदम सनी है बाहर से, लेकिन जितना सनी दिख रहा है इतना है नहीं। अभी भी बाहर 1 ही 2 डिग्री है तो, लेकिन व्यू तो एकदम मस्त सन हमारे रूम के अंदर भी आ रहा था। तो यहाँ पे बच्चों की स्प्रिंग में लग गई छुट्टी होती है तो हम लोग उसी में ही मेरा गए थे। ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी बादाम रोटी का हलवा, और सब्जी। और ये मेरा बेटा बार बार आके मुझे ये चाहिए वो चाहिए चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे बादाम का हलवा बनाने के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा घी लेके और इसमें बादाम का पेस्ट डालते हैं और फिर उसको अच्छे से फ्राई करते हैं और फिर दूध और चीनी मिला देते हैं। तो इस तरह से बादाम का हलवा बन रहा है। और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा था तो ये देखिए फ़ैन चल रहा है, और हमारे यहाँ तो फ़ैन है नहीं, मतलब स्टैंडिंग फैंस है। तो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है वो फ़ैन को देखना और फिर उसमें कुछ ना कुछ फेंकना। फिर आज हमें लौटना भी था वापस, तो ये देखिए रास्ते में स्टॉप बाई प्लेसेस होते तो जहाँ पर डंकिन डोनट्स होता है, सबवे होता है। ये अगले दिन सुबह के हमारे यहाँ तो अभी भी स्नो है, हम घर आ गए थे वापस तो ये स्नो है चारों तरफ, स्नो स्नो स्नो। ऐसा लगा था कि कहाँ से कहाँ आ गए, वहाँ पे तो मस्त धूप थी और यहाँ पे इतना स्नो था। इनफैक्ट जब तक हम लोग नहीं थे तो बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म हुआ था, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर, बट स्नो तो है ही। तो काफ़ी ठंडक भी थी घर में, और ये सुबह की चाय बन रही थी, उसके बाद बच्चे चले गए थे तो पराठे बन रहे थे, और ये मेरी बनी थी कैबेज की सब्ज़ी, और हम लोगों ने मस्त नाश्ता इन्जॉय किया था। चाय सब्जी और पराठा हमारा ऑल टाइम फेवरेट। चलिए बाय बाय।